श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान गए एक भारतीय सिख श्रद्धालु की वहां मौत हो गई। यह हादसा लाहौर में हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि सिख श्रद्धालु की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। फिलहाल पाकिस्तान के अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से भारत लाई जाएगी। मरने वाले की पहचान प्रीतम सिंह के रूप में हुई है, जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले के कहड़ा नैसी गांव के रहने वाले थे। प्रीतम सिंह की उम्र तकरीबन 60 साल की थी। हालांकि श्रद्धालु जत्थे ने ये आरोप लगाए हैं कि वहां खराब प्रबंधों की वजह से बुजुर्ग को दिक्कत हुई, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया और इसी वजह से उनकी मौत हुई है। मैं बेनती करता थे पाकिस्तान की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ते जिहड़े साडे जत्थेदार आ इत्थे वीजा लवा के लैके आउंदे आ बंदिआं नूं, उहनां नूं मैं पुछणा चाहुंदा वी करतारपुर साहिब तों लै के लाहौर शाही किले तक 100 किलोमीटर का सफर कितने 12 घंटे च पूरा हुंदा? केड़ी तरतीब आ, केड़ी तरतीब नाल तुसीं बंदे लैके आ रहे हो? आ देखो गेट वल 10 वजण वाले आ, संगत सारी कैद करके रखी हुई आ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸੰਗਤ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਪਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ 6 ਨੰਬਰ ਬੱਸ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਸ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਲਾਹੇ। ਬਿਰਧ ਬੰਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ? 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੜਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਏਡਾ ਬੈਦਬਦਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੈਦਵਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਰੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਆ ਬੱਸ ਦਾ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਰੁਕਾ ਥਾ। शनिवार सुबह को सभी श्रद्धालु वहां इमनाबाद स्थित गुरुद्वारा रोड़ी साहिब में माथा टेकने पहुंचे, जिसके बाद शाम 6 बजे गुरुद्वारा डेरा साहिब आ गए और उसी समय अचानक प्रीतम सिंह की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही पलों में उनकी मौत हो गई। हालांकि पाकिस्तान गए जत्थे के घटिया प्रबंधों पर श्रद्धालुओं ने सवाल भी उठाए हैं। इस दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। श्रद्धालुओं का कहना है कि 100 किलोमीटर के सफर को 12 घंटे में पूरा करवाया जा रहा है और बस में इतनी देर बैठने से 2 बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मौत हुई है। साथ ही ये भी बताया कि खाने और रहने के प्रबंध भी नहीं किए गए। लाहौर में श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारे के दरवाजे कई घंटे तक नहीं खोले गए, इसी वजह से कई बुजुर्ग श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।